अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि सब ठीक ठाक होंगे। मेरी प्रार्थना है कि आप सब हमेशा खुश रहें, हमें इसी तरह से अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तान। जी बिल्कुल, मेरा नाम है सादिक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। हाजिर है एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है जी रावण की लंका। रावण की लंका कहाँ पे है? इन श्रीलंका। चलिए मिलकर देखते हैं वीडियो, फिर उस पर करते हैं अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। रावण की लंका के अंदर के जाने का जो रास्ता है ना, कुछ इस तरीके, यही वो लंका है भैया जिसको हनुमान ने ना पूरा जला के ना तहस नहस कर दिया था। भाई रावण की लंका में ना जाना इतना आसान नहीं था भाई, ना आज से 5000 साल पहले और ना ही आज। चलिए मैं आपका रोहित पहाड़ी भैया पहुंच गया भैया आपका रावण की लंका में। ये रावण की लंका में चढ़ना भाई कितना टफ होते जा रहा है, इतना पास आ रहा है ना, और इतनी खाई देख के कितना खतरनाक लग रहा है ना, जैसे 5000 साल पहले रावण के लिए भैया इतना खूब बाथिंग पूल बनाया हुआ था। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। मैं रोहित पहाड़ी आपका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे इस नए वाले ब्लॉग में। और अभी आपके रोहित पहाड़ी भैया श्रीलंका में, और ये और आज मैं आपका आ गया हूँ भैया सिगिरिया गांव में, क्योंकि भारत से ना इंडिया से बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे, रोहित भाई आप अगर श्रीलंका में गए हो तो हमको आपका रावण की लंका देखनी है, वही लंका जिसको हनुमान ने पूरा जला दिया था, वही लंका जो कभी महादेव की हुआ करती थी, जिसको रावण ने उनसे वरदान के चलते मांग लिया था, वही लंका जिसको राम ने ना पूरा ध्वस्त कर दिया था। आज मैं आपको ना उसी लंका को घुमाने के लिए लेके आ गया हूँ भैया श्रीलंका के इस गांव में, सिगिरिया गांव में। और ये अपना होम स्टे था जहाँ मैं रुका हुआ था, इस तरीके का होम स्टे था, काफ़ी खूबसूरत यार। यहाँ पर लोग गार्डनिंग पे ना इतना ज़्यादा मतलब फोकस करते हैं, बहुत ज़्यादा। तो एक काम करते हैं, आज के सफ़र की शुरुआत करते हैं महादेव के नाम से, हर हर महादेव। और ये अपना होम स्टे, आपको अपना कमरा दिखाता हूँ। तो भाई जी फाइनली अभी निकलते हैं यहाँ से आपका रावण की लंका की तरफ। मेरा बैग ना बिल्कुल पैक हो चुका है, और बैग को पकड़ते हैं और फटाफट से हर हर महादेव अपने सफर की फिर से शुरुआत करते हैं। और हर हर महादेव भी देखो आज मुझसे निकल गया, क्योंकि यार जो सोने की जो लंका थी ना, जो कभी आपका अभी आपका मतलब कहते हैं कि रावण की लंका थी, लेकिन पहले भैया उसी लंका को ना महादेव ने अपने लिए बनाया था, और वो भी पार्वती के कहने पर। क्योंकि जब पार्वती आपका बैकुंठ गई थी आपका नारायण के धाम में ना, तब उनको क्या कहते हैं लक्ष्मी माता का भवन बहुत अच्छा लगा, तब उन्होंने आपका कहते हैं महादेव से कहा था कि यार मेरे लिए भी ना एक आप ऐसा भवन बनाओ जो विश्व में सबसे सुंदर हो, सबसे अलौकिक। कर भगवान ने सोने की लंका का निर्माण किया, लेकिन जब रावण ने क्या कहते हैं आपका उनकी तपस्या करी, तो रावण ने उनसे सोने की लंका ही मांग ली, इसलिए आपका सोने की लंका रावण की है, इसलिए बोलते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको उसी लंका में लेकर चलने वाला हूँ। ओके, टिकट विकेट दिखाते हैं और यहाँ से एंट्री करके निकलते हैं आपका रावण की लंका की तरफ भैया। रावण की लंका, आई भगवान, आई भगवान। तो चलो भैया हमने कर ली है एंट्री, और अब हम बन गए लंकापति रावण। और रावण रावण हूँ मैं, दशानन रावण हूँ मैं। तो भैया जी ये आपका एंट्रेंस है आपका रावण की लंका का, और जैसे ना हर महल के आपने चारों ओर देखा होगा ना, ऐसे तालाब टाइप का बनाया था, इसमें कमल के फूल खिलते थे। तो भैया जी यहाँ से ना एक व्यू पॉइंट है, जहाँ से ना आपका भैया ये जो आपके रावण की लंका वाली चट्टान है ना बिल्कुल साफ दिखती है। तो मैं पहले तो भैया ये देखो आप, ये आपको दिख रहे हैं नीचे पूरे खंडहर खंडहर, ये कभी सारे महल हुआ करते होंगे सोने के। और वो देखो बिल्कुल सामने ऊपर चट्टान पे जहां रावण रहा करता था, वो देखो आप, वो है देखो चट्टान, ये है भैया रावण की सोने की लंका, जो आज पत्थर की लंका बन जाएगी, कहा था ना पार्वती ने, तो यही आज पत्थर की लंका बनकर रह गई है। और यहाँ के लोग ना इसको मतलब ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको इसको ना यहाँ के लोग रावण का महल ना मान के कश्यप किंग का महल मानते हैं, क्योंकि रावण के बाद जो यहाँ किंग था ना कश्यप किंग, उसने यहाँ पे कहते हैं आपका राज किया था। तो हम तो भैया रामायण के भक्त हैं, राम जी के भक्त हैं, तो हम तो भैया रावण को जानते हैं, हम कश्यप किंग मतलब उसके बाद तो ऐसे कितने राजा आए होंगे, लेकिन भैया जिसके लिए बनाया था और जिसकी वजह से ये पूरा श्रीलंका फेमस है ना, वो है भैया रावण अखंड पंडित। रावण तो भैया ऊपर रहता था, लेकिन रावण की लंका में ना कम से कम लाख देशवासी रहते थे जिनके महल थे भैया। और ये सारे महल ना पहले सोने के हुआ करते थे, आपको दिख रहे हैं अभी ये बिल्कुल खंडहर सी बन गई सारी। मतलब ये हमको ना यहाँ पे आपका कुछ लोग मिले हैं आपका श्रीलंका में, यू नो अबाउट रावण, रावणा रावणा सीता, हाँ रावणा सीता, दिस इज द, तो रावण इज लंका गॉड,
or not? Yeah, I can trust Ravan, him. No. Ravan is not God. Not God. Just, some people are told me. No. Ravan is God. वो अलग बात है. Okay. Okay. Nice to meet you. Okay. Thank you. तो भैया जैसे ना हम लोग आपका अंदर की तरफ आते जा रहे हैं ना और ये जो आपका महल आपको सामने दिख रहा है ये इतना पास आ रहा है ना और इतनी खूबसूरत भाई देख के कितना खतरनाक लग रहा है ना जैसे आपका केदारनाथ में जो वो वाला पत्थर है ना जिसको हम भीमशिला बोलते हैं जिसने केदारनाथ को बचाया था बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे रहा है यार. देखा आपका फाउंटेन गार्डन मतलब कि आपने अगर क्या कहते हैं कभी आप सीरियल देखते होगे ना तो अपने राजा महाराजा इंद्र का महल तो आपने बहुत सारे बार देखा होगा क्या कहते हैं सीरियल्स में कि मतलब राजा महाराजा मतलब इस साइड और उस साइड बैठे रहते हैं और बीच में ना पानी का पूरा झरना होता है उसमें आपके ऐसी मतलब जो ट्रैक है रास्ता है और उसके ना बिल्कुल सेंटर में देखो आप ये ऐसे ना मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे इधर राजा महाराजा बैठते होंगे और बीच में पानी का पूरा ऐसे वो बना हुआ है. तो भाई जैसे मैं ना आगे आगे बढ़ते जा रहा हूँ ना भाई रावण की लंका ना पीछे देखो ऐसा लग रहा बिल्कुल मेरे पास आते जा रही और इसको देख के ना लग कैसे रहा ना जो रामलीला में वो गाना नहीं होता रावण बैठता था उधर बड़ी सी कुर्सी के ऊपर और सारी जो डांसर थी आगे डांस करती थी तब वो गाना गाते थे लंका के राजा महाराजा दिन रात बजे रण का बाजा है. ऐसा एक गाना है हम लोगों ने बचपन से रामलीला देखी है तो हमको पता है रावण यहाँ से तब वो कहता रहा मुझसा पंडित मुझसा योद्धा संसार में ना कोई दूजा है मैंने शीशों को काट काट शिव शंकर जी को पूजा है. तो वह शीशों को काट काट के ना शिव शंकर को जब पूजा था ना तो उसके बाद शंकर से उन्होंने इनाम के रूप में ना ये लंका ही मांग ली थी. तो चलते हैं इस लंका के अंदर देख रहे हो आप कैसा रास्ता है भाई मतलब मेरे को ना ऐसा लग रहा है कि जो बचपन से मैंने रामलीला देखी है ना आज मैं उसे मतलब रियल में फील कर रहा हूँ क्योंकि ना आप अच्छा आपने आज से पहले कभी रावण की लंका रियल में अपनी लाइफ में किसी ब्लॉग में देखी है अगर नहीं देखी तो अभी लाइक करो और कमेंट में ना जय श्री राम लिख दो या जय हनुमान. सारी सीढ़ियाँ हैं कि मत ही पूछो यार पसीना पसीना हो गया हूँ मैं पूरा जाने का रास्ता है ना. भाई ये देख रहे हो भाई साहब मैं ना अभी आपका बिल्कुल पहुंच गया रावण की लंका के ना बिल्कुल मेन वाले द्वार पे. रावण की लंका के अंदर के जाने का जो रास्ता है ना वो यहीं से होते हुए जाएगा भाई यहाँ से रावण की लंका के अंदर क्योंकि भाई अभी ना आगे बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है. भाई ये रावण की लंका है आपका हमारा घर नहीं तो रास्ते भी ना एकदम से ऐसे बनाए हुए हैं इतने खतरनाक से रास्ते हैं अंदर की तरफ आ जाओ. मैं बार बार अपना कैमरा ऑन इसलिए कर रहा हूँ ना मैं जितना आगे जाता जा रहा हूँ ना मुझे लग रहा है कि आगे जाके थोड़ा इजी होगा लेकिन ना ऐसा नहीं है जितना आगे बढ़ते जा रहा हूँ उतना ज़्यादा टफ होते जा रहा है. तो ऐसे ना पत्थर के साइड में ना बस हल्का से स्टेयर्स बनाई हुई हैं सीढ़ियाँ जिस पर लोग चढ़े जा रहे हैं. भगवती देखो आप ऐसे चट्टान के ना साइड में सीढ़ियाँ बनाई हैं जिन सीढ़ियों पर ना चल रहे हैं आपके रोहित पहाड़ी और कितना भरोसा है देखो हमको ना कि हम बस लीडर होके चल रहे हैं. हेलो नमस्कार वेयर आर यू फ्रॉम इंडिया. अरे यार हिंदी बोला अच्छा लगा श्री राम. तो भैया कुछ लोग जब हिंदी बोलता है ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पर हिंदी बहुत कम लोग समझता है. अरे तीनों नमस्कार बोला तो मैंने कहा ओह माय गॉड यहाँ हिंदी भी चल रहा है चलो भाई हिंदी में बात करते हैं. तो भैया जी फाइनली हम लोग आपका आ गए आपका रावण की लंका के मेन दरवाजे पे और इसी रास्ते से ना हम जाएंगे आप सीधे लंका के अंदर और जो लंकापति रावण का जो महल था ना ये उसका मेन गेट है. गेट से पहले ना यहाँ पर देखो बड़े बड़े से ऐसे बड़े बड़े नाखून और उंगलियों के निशान है यार भाई मतलब ये मेरे ख्याल से बाद में बनाए होंगे थोड़ा सा इसको लुक देने के लिए. रास्ते के दोनों ओर एक पंजा इस साइड बनाया हुआ है और एक पंजा इस साइड बनाया हुआ है. तो चलते हैं डायरेक्ट लंकापति रावण से मिलने के लिए और वहाँ जाके हम गाना गाएंगे कौन सा दशानन रावण हूँ मैं रावण हूँ मैं. रावण की लंका के अंदर के जाने का जो रास्ता है ना कुछ इस तरीके से है. You love India? All members श्रीलंका. I love India. You love India? Oh. I love Sri Lanka. तो भाई चलते हैं रावण की लंका के ऊपर ऐसे खूबसूरत लोग मिलते रहेंगे उनसे मुलाकात करते रहेंगे. आई भगवान देखो क्या ऐसा लग रहा है आसमान में चढ़ते चढ़ते जा रहे हैं हम लोग ऊपर को और मैं जब कैमरा दिख रहा हूँ ना नीचे की तरफ तो मेरा ना सर घूम रहा है. ओ भाई ये रावण की लंका में चढ़ना भाई कितना टफ होते जा रहा है देख रहे हो ऐसे कुछ नज़ारे हैं भैया इस श्रीलंका से रावण की लंका के इन सीढ़ियों के भाई. और ये जो रास्ता बना रखा ना मतलब पत्थर के साइड में ना आपका एंगल डाल रखे हैं उस एंगल के ऊपर ना ऐसी बस लोहे की सीढ़ियाँ बना दी हैं
और यहाँ भी ना मेरी ये हालत है कि मैं अब जब नीचे जाऊँगा तो मैं कैसे जाऊँगा भाई। ये रावण को भी पूरी दुनिया में यही जगह मिली भगवान शिव जी से मांगने के लिए। पत्थर के ऊपर चढ़ने के बाद ना ऊपर आकर ये महल बना रखा है भाई। इस महल के ना अवशेष दिख रहे हैं आपको, ये देखो आप, ये दीवारें होंगी, अवशेष होंगे, ये वो सारी चीज़ें होंगी जो पहले कभी सोने की हुआ करती होगी, लेकिन अभी ना भाई ये पूरी सोने की संखाना, सोने की लंका ना बस पत्थर का खाक बन चुकी है। पत्थर के ऊपर जहाँ पर लोगों का चढ़ना इतना ज़्यादा मुश्किल है भाई, इसके ऊपर भी अगर, क्योंकि मैं भी पहली बार आया हूँ तो यार मैं भी ना चाहता हूँ कि कैमरा बंद ही ना हो, सब कुछ आपको दिखाया जाए, क्योंकि भैया तीनों लोकों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत अगर कोई महल था तो वो था भैया रावण का सोने की लंका। और भैया मैं अभी उसी सोने की लंका में घूम रहा हूँ। और ये इसे, हाँ कोई भी इसे देख के कह सकता है कि इसे विश्वकर्मा ने बनाया होगा इस रावण की लंका को, वरना भैया इस चट्टान पे आके स्विमिंग पूल शायद ही कहीं हो सकता है यार। तो मैं आपको लेके चलता हूँ आपका रावण के स्विमिंग पूल में, मतलब जो इस लंका के अंदर ही है, एक कुंड है जैसे हमारे पुराने, अभी उसको स्विमिंग पूल बोलते हैं लेकिन पहले तो भैया उसको कुंड बोलते थे। और रास्ता कुछ ऐसा है यार, देखो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इतनी सारी ये ईंटें हैं भाई, यहाँ आई कैसे होंगे, उस टाइम पे भी ईंटें चलती थी क्या, या फिर कोई उसके बाद किसी और शासक ने यहाँ पर राज्य किया था उस तभी ईंटें यहाँ आई, और अगर तब भी आई तो भाई उस टाइम की ईंटों का साइज़ देखो आप कैसा होता है भाई। आज की ईंटें भाई इसकी हाफ होती है, उस टाइम की ईंटें तो कितनी चौड़ी होती थी। और पहले आपको, सबसे पहले आपको रावण का स्विमिंग पूल दिखाते हैं, रावण का वो कुंड दिखाते हैं जिसमें रावण स्नान किया करता था, ठीक है भाई चलो। और ये है वो कुंड भाई जिसमें रावण भैया स्नान किया करता था। और देखो इस तरीके से आपका आज के ना स्विमिंग पूल फेल है भाई, किस तरीके से डिज़ाइन किया आप देख रहे हो इसको, मैं आपको इसके पास लेके चलता हूँ। जब मैं नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा था ना तो मुझे बड़ा सा पत्थर दिखाई देता, तो आप गैस कर सकते हो कि एक पत्थर के ऊपर चट्टान में जाके कहीं से कुंड है। अब ये पानी का सोर्स आप मुझे बताओ भैया, उस मतलब ज़मीन से कितना ऊपर, तो एक पत्थर की शिला थी उसके ऊपर जाके कुंड है जो पानी आज तक सूख नहीं रहा है, तो ये चमत्कार नहीं तो और क्या है भैया ये। और अब मैं आपको ना एक बढ़िया सा इस लंका का ना पूरा ओवरव्यू देता हूँ कि चारों ओर से ना आखिर ये लंका लगती कैसी है, ताकि ना आपके अंदर कोई डाउट ना रह जाए कि भाई रोहित पहाड़ी ने ना बढ़िया तरीके से लंका को दिखाया नहीं यार। चाहे आज के फोर्ट हो या भाई पुराने रावण के ज़माने का ये लंका फोर्ट हो, चाहे कोई फोर्ट हो ना, आपके हर एक ऐसे फोर्ट में ना, हर एक ऐसे किले में ना, इसमें बॉर्डर के और चारों तरफ ना इस तरीके से एक एरिया बनाया जाता है जहाँ से ना नीचे के आने वाले शहरों पे और रास्तों पे ना नज़र रखी जाती है कि कोई आक्रमण तो नहीं करने वाला है। तो ये लंका में ये वो कोना है जहाँ से ना नीचे के एरिया में नज़र रखी जाती है भाई, कि आखिर नीचे से कोई हम पे आक्रमण तो नहीं करने वाला है। ये लंका का ना सबसे टॉप पार्ट है, एकदम पूरा ईंटों से बनाई हुई बिल्डिंग दरवाजा दिख रहे हैं, लेकिन भाई इधर देखो ये बना किसके ऊपर है, ये पूरा पत्थर की एक बड़ी सी शिला है उसके ऊपर ये पूरा महल बनाया गया था, सोने का महल। जो यार कोई सोच भी नहीं सकता कि पत्थर के ऊपर भी ज़मीन होगी और उसके ऊपर पेड़ होंगे और उसके ऊपर भैया इस तरीके से रहन सहन होगा, यार सच में गजब एक नंबर। और ये सोने की लंका जो अभी आप देख रहे हैं ना, ये सारी कहानी है भैया 5000 साल पुराने इस कुंड की, 5000 साल पुराना रावण का ये स्विमिंग पूल जो आप देख रहे हो मेरे बिल्कुल ठीक सामने, इस पर आज विश्वास कर पाना ना शायद बहुत ज़्यादा टफ है। यही वो लंका है भैया जिसको हनुमान ने ना पूरा जला के ना तहस नहस कर दिया था, यही वो सोने की लंका थी भाई। तो भैया आप देख रहे हो इस लंका के नज़ारों को, आपका आज तो ये पूरे पत्थर की लंका बन चुकी है ना। और यहाँ पे भी ना बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि कश्यप किंग से पहले भी रावण नाम का एक किंग था, जो भैया जिसको आपका राम ने मारा था, ये उसी रावण की पूरी लंका में ना मैं घूम घूम के एक एक चीज़ रिकॉर्ड करके आपको दिखा रहा हूँ कि आखिर लंका में ना देखने के लिए और क्या क्या है भैया, देख रहे हो आप। तो भाई रावण की लंका में ना जाना इतना आसान नहीं था भाई, ना आज से 5000 साल पहले और ना ही आज। आप देख रहे हो कैसे पत्थर की चट्टान के ऊपर ना, फिलहाल तो सरकार द्वारा ये सीढ़ी बनाई गई है, उस टाइम पे ना सिर्फ और सिर्फ रावण और रावण के वो मायावी राक्षस यहाँ आते थे, क्योंकि उनके पास भैया उड़ने की शक्तियाँ थी, पुष्पक विमान थे। भाई चढ़ते टाइम तो ना मैं चढ़ गया था, बट अब आते टाइम ना भाई मेरी तो ना बिल्कुल हालत ख़राब हो रही है, मैं आइट साइड ना कहीं नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि कहीं इधर उधर देख रहा हूँ ना तो चक्कर आ रहे हैं।
मतलब इस पत्थर को देख के ना कोई भी ऊपर सोचेगा कि ऊपर पत्थर की बस चट्टान होगी, लेकिन ऊपर भाई पूरा महल था, कुंड था नहीं। बट फाइनली यार हम रावण की इस लंका से ना नीचे आ गया मैं। भैया जी फाइनली मैं आपका रावण की इस खूबसूरत सी लंका से ना वापस आ चुका हूँ। और आपको ये रावण की लंका वाला जो वीडियो है वो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। और हर किसी के लिए ना भारत से श्रीलंका आना इतना इजी नहीं है, लेकिन भाई आपका बड़ा भाई आपका छोटा भाई रोहित पहाड़ी ना रावण की इस लंका में पहुंच गया, तो भैया ये समझो कि आप ही पहुंच गए। तो आप ही का ही छोटा सा काम है, आपने क्या करना है वीडियो को लाइक करना है, कमेंट में लिखना है जय श्री राम, ताकि आपको भी लगे कि जो दर्शन मैंने किए ना वो आपने भी किए हैं। ठीक है जी। तो व्यूअर्स वीडियो देखा हमने, वीडियो था बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही जबरदस्त वीडियो, भाई ने बहुत ही कमाल का वीडियो बनाया है। और दूर से देखे तो नजारा लग रहा है कि एक पहाड़ का भी छोटा सा टुकड़ा है, यानी कि एक बड़ा पत्थर है, लेकिन वो इतना बड़ा पत्थर है कि उसके ऊपर एक पूरा महल बना हुआ है। और इतना ऊपर से जाके देखे तो दुनिया बिल्कुल छोटी नजर आती है, यानी कि बहुत ही ऊंचाई पर है। तो उस टाइम वो लोग जो हिस्ट्री में 5000 साल पहले इस पे कैसे चढ़ते होंगे, तो अकल का अगर इस्तेमाल करें तो यही है कि उनके पास वो उड़ने की ताकत थी, या वो जादुई शक्ति हो सकती है, या कोई उनके पास चमत्कार ही हो सकता है जैसे वो जाते थे। अभी जो इंसानों के लिए जाने के लिए तो सीढ़ियां लगाई हुई हैं, क्योंकि पहला कोई रास्ता अगर होता उस टाइम भी सीढ़ियों वाला कुछ इस तरह का रास्ता, तो लाजमी कहीं ना कहीं उसका वजूद होता। तो एक पत्थर पे इतना खूबसूरत और आलीशान महल, वहां पे रहने का सोचना ही एक अलग ही तरह का नजारा लगता है कि इतने ऊंचे पहाड़ी पे और इतना खूबसूरत मंदिर और आसपास सिर्फ ग्रीनरी ग्रीनरी है। श्रीलंका वैसे भी बहुत मशहूर है वहां पे अपनी खूबसूरती को लेकर, वहां पे बहुत ज्यादा सियाहत होती है। उसकी वजह यह है कि वहां पे पहाड़, झरने, दरिया, समंदर सब कुछ मौजूद है। और अगर हिस्ट्री को ले रहे हैं, अगर हमारी इस्लामिक हिस्ट्री को भी लें, तो आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से ज़मीन पे लाया गया था तो वो जो प्लेस थी वो श्रीलंका ही है। अब यहाँ पे एक एडम ब्रिज के नाम से बहुत मशहूर है हिस्ट्री में, और वो कहते हैं कि वो राम सीतु जो उन्होंने बनाई थी, राम सीतु उसका नाम है। और हमारे यहाँ कहते हैं कि वो जब आदम यहाँ पे आए थे जन्नत से दुनिया में, तो इस तरह के, या हो सकता है कि एक ही चीज के दो तरह से दो कहानियां या दो स्टोरियां बना दी गई हूं, ये तो हिस्ट्री वाले ही जान सकते हैं क्या सही था या क्या गलत था। लेकिन ये तो अमेजिंग है रावण की लंका, और उसको फिर जला दिया राम ने, जला क्या दिया, पूरा का पूरा भस्म कर दिया, लेकिन अभी तक उसके आसार मौजूद हैं। 5000 साल देखिए, 5000 साल, वो अभी तो हमारी एज कितनी है जी, 40 साल, और 40 साल देखिए कितना लंबा अरसा लगता है, और 5000 साल कितना लंबा अरसा होगा। और तब से अब तक 1400 साल हो गए हैं अभी हमारे ठीक है, तो वो 5000 साल पहले पुराना, वो क्या कमाल अमेजिंग ही लोग उस वक्त लोग तो होते होंगे, वो खुद ही उनके कदो कामत बहुत बड़े बड़े होते होंगे, ये भी एक फैक्टर है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि पहली जो कौमें थी उनकी जसामत हमारे जैसी नहीं थी, वो बहुत बड़े विशाल कद के होते थे। और ये कोई हिंदू भाई जो हिस्ट्री से रिलेटेड चीजों को समझता है वो हमें करेक्ट कर सकता है कि जो रावण और राम और उस टाइम उनको उनकी जो शख्सियत और कदो कामत क्या थी, और आपकी वो हिस्ट्री की बुक्स में उसको कैसे लिखा गया। बहुत ही खूबसूरत और जबरदस्त नजारा था, एक तो श्रीलंका वैसे ही बहुत प्यारा है, और दूसरा ये एक पहाड़ी के ऊपर, पहाड़ की दूर से तो लगता है एक पहाड़ का छोटा सा पत्थर पड़ा हुआ है, और जब उसको करीब से देखते हैं तो इतना बड़ा महल उस एक पत्थर के ऊपर। वो जो पहाड़ी भैया थे उनकी अपनी सीटी गुम हो चुकी थी, ऊपर जाते हुए बड़ी मेहनत से काम है जी, कोई बिल्कुल मामूली नहीं है। देखें कि आज भी अगर वहां पे वो लंका में जाना है तो आप देखें कि उनके एंड पे जो है ना पसीनों पसीने हुए पड़े थे, और सारे पसीने से शराबपूर थे। आज भी उसके ऊपर आप जो नॉर्मल इंसान है उसके लिए जाना, फिर वहां से वापस आना इतना मुश्किल है।
तो देख के डर लगता है। वो आसपास नहीं देख रहे थे, मुझे फील हो रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि वो देखे सीढ़ियां हवा में तो अलग है, वो हवा में तो हर शायद जाने और इतनी ऊंचाई पे जाके तो नीचे देखना तो वो बहुत ही, फिर ऊपर देखे तो पहाड़ को काट के उसके ऊपर दरख्त है, हरियाली है, पत्थर के ऊपर हरियाली है। वहां पे उन्होंने स्विमिंग पूल बनाए हुए है, वो सारे महल बनाए, स्विमिंग पूल है और पूरा वो एक जिस तरह से महल और उसके रास्ता, ये उसका इंटरेस्ट है, ये वहां पे वो मेन चौकियां भी बनाई हुई है ऊपर से नीचे देखने के लिए, तो सारी चीजें पूरा एक महल बनाया गया, समझे कि जैसे पूरे एक पहाड़ को पत्थर को तराश के उन्होंने जो एक महल बनाया है, और उसके रास्ते का आने जाने का जो रास्ते थे वो भी रावण जी को ही पता थे, तो वो फिर अंदर से किसी ने, वो भेदी ने जो थे ने वो लंका ढाई थी राम को कहा था, तो उन्होंने फिर उसके ऊपर वो सारा कुछ किया, तो फिर वो रास्ते उनको मिले, फिर वहां पे जाके रावण की वो आंखें होती थी कि पता नहीं कैसे वो उसके अंदर कोई चीज थी जहाँ पे वो निशाना लगाया गया, इसी हिस्ट्री पढ़ी है, हम गलत भी हो सकते हैं, तो यही सारी चीजें वो फिर कहते हैं वो आजकल वो मसाले में बनी हुई घर का भेदी लंका ढाए, तो इस तरह की, क्योंकि वहां पे देखिए वो बनाया ही ऐसा गया है कि वहां पे कोई आम आदमी की पहुंच से दूर था, वो रावण को इस रास्ते का पता था, तो आज भी देखिए अगर लोहे की वो सीढ़ियां हटा दी जाए तो यार एक चीज तो इससे समझ आती है कि जो हिंदू और सनातन धर्म की जो हिस्ट्री है ना वो बहुत पुरानी है और हजारों साल पे मुहित है, और उसका मुहासरा करना कोई इतना आसान काम नहीं है, उसको समझ पाना और कितना किस किस टाइम पे क्या क्या हुआ इस सब को इतनी जल्दी समझ पाना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन हिस्ट्री में जैसे जितने भी लोग आए हैं वो सारे कमाल के आर्किटेक्चर ही आए हैं, उन्होंने अपनी जो राजगाहें बनाई है, जो अपने उन्होंने इबादतगाहें बनाई है, सारी एक से बढ़कर एक बनाई गई, जितने भी उनके राजे महाराजा है या जो भी बादशाह आए हैं वहां पे, श्रीलंका में आए हैं या हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए, तो उन्होंने वो सारे के सारे जो है ना अपनी वो इमारतों की खूबसूरती पे, उनकी डिजाइनिंग पे, उनकी आर्किटेक्चरिंग पे उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया है, कि उनके आसार आज भी, और ज्यादातर उन्होंने जो है ना पत्थरों को तराशा है, पत्थरों को, क्योंकि जो पत्थर की बाकी जो लकड़ी है वो खत्म हो जाती है, जो बाकी जो चीजें पत्थर जो है वो तो वैसे का वैसा रहता है, इसीलिए आज हजारों साल बाद वो चीजें हमारे सामने मौजूद है, तो यही सारी चीजें हैं कि बिल्कुल जी उन्होंने बड़ा मजा आया जी वीडियो को देख के, बहुत ही खूबसूरत और प्यारी वीडियो थी, हमारी भी वीडियो आपको कैसी लगी ये भी आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, अगर तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को करिए सब्सक्राइब, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो।